आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो टेबल हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उस टेबल को हमें बनाना है हमारे प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑफ कोर्स, और उसके बाद उस टेबल के अंदर हमें और कुछ एंट्रीज ऐड करनी है, और दो एंट्रीज ऐड करनी है बेसिकली। तो बेसिकली हम ये सीखने वाले हैं कि टेबल के अंदर अगर हमें और एंट्रीज ऐड करनी है तो ये कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, हमारे वेरिएबल का नाम होगा फ्रेम। उसके बाद डेटा फ्रेम इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, डेटा डॉट फ्रेम। और इस फंक्शन का इस्तेमाल हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारा पहला टेबल बना सके, मतलब बेसिकली वो टेबल बना सके जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहला कॉलम है उसका नाम है सीरियल नंबर, तो हम यहाँ पे SRNO दे देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ये ठीक है। ठीक है, या तुम सीरियल नंबर भी लिख सकते हो विदाउट स्पेस। ठीक है, अब सीरियल नंबर के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में हम सारे के सारे सीरियल नंबर्स दे देंगे, 1, 2, 3, 3 ही है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है दैट इज नेम, ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे नाम जो लिखे गए हैं वो लिखे जाएंगे, ओजस, अभिषेक एंड चैतन्य, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सैलरी, सैलरी के अंदर इनकी सैलरीज लिखी जाएगी, ₹18,000। नेक्स्ट इज 10,000 एंड नेक्स्ट इज 8,000। ओके, ये हो गया हमारा टेबल तैयार। अब इस टेबल को सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे, फ्रेम एंड ये टेबल प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास एक एरर है, एंड एरर क्यों है, एरर इज डेटा डॉट फ्रेम एस आर नंबर। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पे एरर इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा दिया है, ये कॉमा नहीं चाहिए ऑब्वियसली, तो कॉमा हटा दिया गया है और एरर भी हट जाना चाहिए था, वो जस्ट नॉट फाउंड। ओके, अगेन ये जो है ना हमें ऐसा नहीं लिखना है, इट्स लाइक दिस। क्योंकि ये नंबर्स नहीं है। अब अगर रन करेंगे तो हमें टेबल मिल जाना चाहिए, और हाँ जैसे कि तुम देख सकते हो हमें हमारा टेबल मिल चुका है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है हमें और दो एंट्रीज यहाँ पे लिखनी है, और उन दो एंट्रीज को हमें इस टेबल के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे विच इज़ फ्रेम टू, फ्रेम टू, इसको हम फ्रेम वन नाम देते रहते हैं, फ्रेम वन, फ्रेम वन। ठीक है, रन करके एक बार देख लेते हैं। तो हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड ओ गॉड, अब ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि फ्रेम टू नॉट फाउंड, फ्रेम टू को हमने कुछ दिया ही नहीं है इसलिए वो एरर आया है, बट टेक्निकली वो एरर नहीं आना चाहिए। देख लो, ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा फ्रेम टू बनाएंगे, इस फ्रेम टू के अंदर अगेन डेटा डॉट फ्रेम एंड ब्रैकेट के अंदर अब दो एंट्रीज हमें करनी है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर
और इज इक्वल टू, ऑब्वियसली द एंट्री वुड बी फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि पहले तीन एंट्रीज हमने ऑलरेडी कर दिया है टेबल के अंदर, तो 4, 5, राइट। नेक्स्ट नेम, अब ब्रैकेट के अंदर दोनों के नाम, दो कोई भी नाम हम लिख सकते हैं, वट एवर वी वॉन्ट। लेट्स से पंकज एंड कश्मीरा, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी, पंकज कमाता है 4,000 रुपये और कश्मीरा कमाती है 10,000 रुपये। ये हमारे बाकी के दो एंट्रीज हो गई। अब सवाल ये है कि इन दो एंट्रीज को हम इस टेबल के अंदर कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए रिजल्ट एक नया वेरिएबल हम बनाएंगे और इन दो एंट्रीज को इस टेबल के साथ कंबाइन करने के लिए या बाइंड करने के लिए हम आर बाइंड इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे आर बाइंड एंड ब्रैकेट के अंदर दोनों फंक्शंस का नाम, सॉरी, और ब्रैकेट के अंदर दोनों वेरिएबल्स का नाम, जिन वेरिएबल्स के अंदर ये जो दो चीजें हैं जिन्हें हमें बाइंड करना है वो है, राइट। तो Frame 1 एंड Frame 2, Frame 1, Frame 2, सिंपल। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट, मतलब बेसिकली रिजल्ट प्रिंट करना है। तो अब टेक्निकली ये दोनों चीज़ें कंबाइंड हो जानी चाहिए और हमें 5 एलिमेंट्स का टेबल मिल जाना चाहिए, बट यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। और वो क्यों देखते हैं, एरर डेटा, पंकज नॉट फाउंड, पंकज नॉट फाउंड। अच्छा, अगेन सेम मिस्टेक हमने रिपीट कर दिया, ये नंबर्स नहीं है इसलिए हमें इनको ऐसे लिखना पड़ता है। ऐसी गलतियाँ एग्जाम में प्लीज मत करना। और अब हमें मिल जाना चाहिए जो हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे रन करने के बाद जैसे कि तुम देख सकते हो हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है। जो दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे वो हमारे पहले के टेबल के साथ कंबाइन हो चुके हैं और हमें 5 एंट्रीज वाला टेबल मिल चुका है, जो कि हमें हमेशा से चाहिए था या जो क्वेश्चन में डिमांड किया जा रहा था। थैंक यू सो मच।